ड्यू टू हैवी रेनफॉल हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए एंड काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा था और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है रांची में। दैट्स वाई वी आर डिले इट लिटिल बिट। एनी वे आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पैरामेडिकल 2023 जो आज ही के दिन कंडक्ट हुआ है, और आज ही दिन हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे दैट की किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आए हैं दैट की। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए थे उनसे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं एंड जो हम लोगों ने अपलोडेड करा था वीडियो लेक्चर्स उससे भी क्वेश्चन को मैच हो रहे। तो बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए थ्रू योर टीम, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज भी करा व्हाट्सएप पे दैट के क्वेश्चन मैच हो रहे थे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग मैच करेंगे बायोलॉजी का आंसर की। बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है एंड आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा दैट ज्वाइन 1:1 पर्सनलाइज काउंसलिंग। यस, आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हो वर्मा एजुकेशन टीम के साथ, अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो। ठीक है, झारखंड पैरामेडिकल का जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट या फिर इसी 7 डेज के अंदर कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ऑब्वियसली हम लोग मान सकते हैं 15 दिन के अंदर रिजल्ट देखने को हम लोग को मिल जाए। ठीक है, तो रिजल्ट देखने के बाद बेसिकली कट ऑफ होते हैं, कट ऑफ के बाद हम लोग ना बेसिकली डिसाइड करते हैं दैट कि किस रैंक पे कौन सा कोर्सेस मिलने वाला है। ठीक है, तो वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो आप काउंसलिंग के लिए ये नंबर सेव कर लो, अगर आपको काउंसलिंग करवाने है थ्रू अस सिंपली से आपको ऑनलाइन काउंसलिंग घर बैठे आपका हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो नंबर पे। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, और आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के आंसर की एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 101 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल बोल रहा है यहाँ पर, ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट इज ए ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फिर 102 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड प्लांट। स्टोमेटा का फंक्शन पूछ रहा है, तो स्टोमेटा का फंक्शन हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा गार्ड सेल्स। फिर व्हाट हैपन टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इन टू देम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा दिस स्वेल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है, ग्रास लायन कसकटा या फिर ईस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 105 का दैट इज हमारा पैरासाइटिक ईस्ट। ओके, फिर 106 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनिमल हार्मोन इन द बॉडी। फंक्शन पूछ रहा है एनिमल हार्मोन इन द बॉडी दैट इज हमारा दे कंट्रोल कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस। फिर 107 विच हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका दैट इज हमारा ग्रोथ हार्मोन। फिर व्हाट व्हाट कैन हैपन इफ देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो प्यूबर्टी इन डिलेड इंक्रीज हाइट एंड डेवलपमेंट ड्वार्फिज्म एंड ऑबेसिटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा ड्वार्फिज्म। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टामेन इन द फ्लावर, तो 109 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा प्रोड्यूसिंग ऑफ पोलिंग ग्रेन। फिर 110 हमारा देख सकते हो यहाँ पर व्हाट इज द करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन पूछ रहा है दैट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्टिंग एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज रेटिनल एडेप्टेशन। फिर 112 का इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा इन फ्रंट ऑफ रेटिना। फिर 113 विच एनिमल टाइपिकली हैव देयर पोजिशन एंड अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नॉक्टर्नल एनिमल्स। बेसिकली बोल रहा ना आई आईज पोजिशन ऑन अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड, तो नॉक्टर्नल एनिमल्स में होते हैं। फिर व्हाट डू ऑटोट्रॉफ यूज एज देयर सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 115 व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ फॉर देयर सर्वाइवल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा हेटरोट्रॉफ्स। फिर व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा एडेप्टेशन। फिर 117 विच फेज ऑफ सेल साइकिल रिप्रेजेंट द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा एम फेज।
वट आर पॉलीसेकेराइड, ठीक है, 118 का पूछ रहा है पॉलीसेकेराइड क्या है, तो लॉन्ग चेन ऑफ सुगर्स। फिर वट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टोइड सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा एरर आया होगा इस क्वेश्चन में, अगर नेक्स्ट आपको टेलीग्राम पर इसका आंसर मिल जाएगा तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टोमेक, ठीक है, स्टोमेक में जो म्यूकस होता है उसका फंक्शन क्या होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो दैट इज इट प्रोटेक्ट द स्टोमेक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड डैमेज। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट, ठीक है। तो 121 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1100 to 1200 ml। फिर विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब कलरलेस ब्लड सेल्स लैकिंग हीमोग्लोबिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा ल्यूकोसाइट्स। फिर 123, विच टाइप ऑफ सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन द टोटल वाइट ब्लड सेल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा न्यूट्रोफिल्स। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वेलिंग, ठीक है, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूड, प्लूरल फ्लूड का फंक्शन क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका दैट इज हमारा रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ठीक है। 126, व्हाट इज द टू डिवीजन ऑफ द एटोनॉमिकल न्यूरल सिस्टम, तो ये करेक्ट आंसर होगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, SNS एंड PNS। फिर वेयर आर माइलिनेटेड नर्व फाइबर कॉमनली फाउंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व। व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू मेसोडर्मल ऑरिजिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा मसल, ठीक है। विच एक्सक्रेटरी 129 का, विच एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आर प्राइमरली कंसर्न विद ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज नेफ्रेडिया। फिर विच एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज मालफिकिन ट्यूब्यूल्स। फिर 131, व्हाट आर द टू हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रेनोकॉर्टिकॉर्फिक हार्मोन। फिर 132, वेयर आर दिस टेस्टिस, वेयर आर द टेस्टिस लोकेटेड इन द इंडिविजुअल, तो विद इन पैल्विक कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमेन, इनसाइड द एब्डोमेन, अटैच टू द किडनी, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा यहाँ पर आउटसाइड द एब्डोमेन, विद इन में यहाँ पर इन लगा हुआ है दैट्स वाई यहाँ पर नहीं होगा ये, ठीक है। फिर विद इन में है तो विद इन ने नियर नियर रहता तो हो सकता था, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमेन। 133, विच सेल्स इन द टेस्टिस प्रोड्यूस एंड्रोजेंस, ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा 133 का दैट इज हमारा सेमनिफेरस टिब्यूल। विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजेन, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। फिर 135, विच हार्मोन इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, तो 135 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा गैस्ट्रिन। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट डू ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी, ये लास्ट ईयर का PYQ है, ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा 1%। विच मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाई 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज हमारा ओजोन। ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन इन द हायर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर बाय शील्डिंग द सर्फेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा ए। फिर 139, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इन द ह्यूमन आई, फंक्शन पूछ रहा है कॉर्निया का, तो जो करेक्ट आंसर एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इन द ह्यूमन आई, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस का पूछ रहा है रोल क्या होता है ह्यूमन आई में, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना। 141 का करेक्ट आंसर होगा दैट क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, दैट इज व्हाट इज गैस्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट, तो टेस्ट, जस्टी रिसेप्टर हमारे टंग में पाए जाते हैं और ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, PNS का पूछ रहा है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा 142 का, दैट इज इट फैसिलिट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी। फिर 143, व्हाट आर द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, 3 मेजर पार्ट रीजन ऑफ द ब्रेन पूछ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ मेडुला इन द हाइंड ब्रेन,
मेडुला का रोल पूछ रहा है हाइंड ब्रेन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा इट रेगुलेट इनवॉलेंट्री एक्शंस। पे 145 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा सेरेब्रम। फिर 146 विच ग्लैंड सिक्रीट मेलाटोनिन एंड रेगुलेट डायूर्नल रिदम ऑफ द बॉडी, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ठीक है, और ऑलरेडी मैंने ये करा रखा था, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा पीनियल ग्लैंड। फिर 147 विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा ग्लूकाजन। फिर इन विच ऑर्गेनिज्म द न्यूरल, एक सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। ओके हाँ, इन विच ऑर्गेनिज्म द न्यूरल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा इंसेक्ट्स, ठीक है। व्हाट डू एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट, ठीक है, एफरेंट नर्व फाइबर क्या ट्रांसमिट करता है, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस टू पेरिफेरल ट्यूब्स ऑफ ऑर्गन्स। फिर 150 विच डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम रिलीज इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, दैट इज ऑटोनोमिकल न्यूरल सिस्टम, तो उसका करेक्ट आंसर दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, 150 का बी, ठीक है। तो अभी रिव्यू करेंगे ना, तो हम लोग को यहाँ पर हमारा ये न्यूरो कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाँ न्यूरल कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। फिर उसके साथ साथ हमारा ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। एनालिसिस में हम लोग कह सकते हैं दैट कि इस बारी ज़्यादा क्वेश्चन हमारा जो है ह्यूमन वाले पार्ट से है, बॉटनी को बहुत ज़्यादा कम मिला था, बॉटनी एंड सॉरी बॉटनी से बहुत कम क्वेश्चन था, तो जूलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल गए हम लोग इस बारे में। तो यस, ये था बायोलॉजी का कंप्लीट आंसर की, एंड इसमें कुछ मिसमैच भी रहे हो सकते हैं, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड यस काउंसलिंग के लिए ये नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।